हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर मी ब्यूटीफुल। आज हमारे पास है डर्माको का 6% हायलाकैलामाइड मैट फिनिश फेस लोशन। ये लोशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैवेंडर पिंक एंड वाइट कलर की पम्प बॉटल में अवेलेबल है। 6% हायलाकैलामाइड मैट फिनिश लोशन फॉर ऑयल कंट्रोल। ये ऑयल कंट्रोल के लिए है। 5% इसमें कैलामाइन है, 1% हाइलोरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है एंड 3% नायासिनमाइड है। ये लोशन ऑयल कंट्रोल करेगा एंड आपके एक्ने को भी रिड्यूस करेगा। कैलामाइन लोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और काफ़ी चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। जैसे कभी हमें इन्फेक्शन होता है या चिकन पॉक्स होता है बच्चों को या इंसेक्ट बाइट होता है तो हम कैलामाइन लोशन अप्लाई करते हैं, बट वो थोड़ा ड्राइंग फॉर्म में होता है। तो डर्माको ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है। इसमें कोई डाई या मिनरल ऑयल भी नहीं है। इसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जैसे नायासिनमाइड, हाइलोरोनिक एसिड एंड यू नो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलामाइन लोशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोशन होता है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करेगा एंड काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। कैलामाइन लोशन एक काफ़ी अच्छा एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल लोशन होता है जो कि स्किन को काफ़ी हील करता है, सूद करता है। इस लोशन में 5% कैलामाइन है, 1% हाइलोरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है एंड 3% नायासिनमाइड भी है जो कि काफ़ी अच्छा एक फॉर्मूला बनता है। इसका प्राइस 321 रुपीज़ है फॉर 120 ml ऑफ बॉटल जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है बिकॉज हाइलोरोनिक एसिड से आपकी मॉइस्चराइजेशन, आपकी जो वाटर लेवल्स है वो बूस्ट होगी। कैलामाइन रिड्यूस करेगा एक्ने को एंड यू नो एक्सेस सीबम को भी कंट्रोल करेगा। देन नायासिनमाइड से आपके डार्क स्पॉट्स भी कम होंगे, कंट्रोल होंगे और एक्सेस ऑयल भी कंट्रोल होगा। इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी वेटलेस एंड यू नो फ्लफी टाइप का, इमल्शन टाइप का एक फॉर्मूला है एंड यू नो काफ़ी स्मूद लाइट वेट टेक्स्चर है इसका। आप देख सकते हो यूजुअली हम कैलामाइन लोशन लगाते हैं तो काफ़ी ड्राइंग हो जाता है वो एक पॉइंट पे, बट इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइट वेट एंड फ्लफी सा लग रहा है। कैलामाइन तो इसमें है ही और इसमें जो हाइलोरोनिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा यू नो स्किन को हाइड्रेट रखने में। एंड ये प्रोडक्ट मैंने काफ़ी दिन से यूज़ किया हुआ है, उसके बाद ही मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ ठीक से। एंड एक जो ये पिंक कलर भी आता है ना कैलामाइन लोशन का, उससे स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट भी लगने लगती है। एंड सबसे अच्छी बात है जो इसमें नायासिनमाइड है उससे आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, काफ़ी हेल्प होगा उससे। ये प्रोडक्ट को अब मैं स्किन पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा पम्प बॉटल से थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है क्योंकि ये काफ़ी हो जाता है। अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है, आप अच्छे से इसे स्किन पर मसाज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें SPF 20 भी है जो कि आपको UV रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपको घर ही में रहना है तो इसके ऊपर आप एक और सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो आपको इनफ होगा। लाइक डेली आप इस मॉइस्चराइज़र के जैसे इसे यूज़ करें। आफ्टर यू नो मैंने सिरम लगा लिया है, सिरम के बाद मैंने ये वाला लोशन स्किन पर लगा लिया है और अगर अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं इसे भी लगाऊंगी अगर सिर्फ, तो इनफ होगा। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप एक और सनस्क्रीन ऊपर से लगा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैंने कोई कंसीलर भी अप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल बेयर फेस पे इसे अप्लाई किया है, बट एक अलग सा रेडियंट भी देता है ये स्किन पर। अच्छे से इसे स्किन पर आपको अप्लाई कर लेना है, मसाज कर लेना है। आप इसे 2 times भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये लोशन। आप इसे डेली बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये जो है मेरे मार्क्स भी इससे काफ़ी कम हुए हैं और अभी और अप्लाई करने से और भी ज़्यादा इसे इफ़ेक्ट होगा। लाइक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है इस प्रोडक्ट का। ये स्किन को हाइड्रेट करती है, एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑयल को, एक्ने इससे फास्ट हील होगा, मैट फिनिश लुक देती है, पूरा दिन आपका स्किन हाइड्रेट भी रहेगा प्लस मैट फिनिश लुक भी देगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं।
यूजुअली हम कैलामाइन लोशन तब लगाते थे जब स्किन पर कोई रैशेस होता था या फिर हमें जलन हो रही होती है स्किन पर। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रूटीन में। और अगर आपको आपको रेडनेस है काफ़ी सन से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस एक ही प्रोडक्ट में आपको काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो आप डेली बेसिस पे भी ये लोशन को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर टीनएजर्स हैं तो वो भी इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और डेली उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी जो एक्ने हैं वो सब भी कम हो जाएगी और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी काफ़ी रिड्यूस होंगे। इस प्रोडक्ट से स्किन काफ़ी हाइड्रेट तो होती है, प्लस ये एक मैट फिनिश लुक देता है। काफ़ी देर तक ये आपके स्किन पर कोई भी ड्राइनेस आने नहीं देता है, प्लस ये मार्क से भी लड़ता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैंने इसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो आप भी इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर एवरीवन।